हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एंडोलोगस आज की इस वीडियो में हम फाइव ईयर प्लान्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें पहले हम कुछ थियोरी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वॉट द फाइव ईयर प्लान सबसे पहले जानते हैं प्लान क्या होता है तो देखिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए होता है ताकि हम उस प्लान को फॉलो करें और अपने गोल्स तक ईजीली पहुँच जाए सो so, लाइक वाइज जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तो जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको एक स्टेबल इकॉनमी बनाने के लिए वी रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ प्लान तो उन प्लान्स को ही हम फाइव ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं सो फ्रॉम नाइनटीन फोटी सेवन टू टू थाउजेंड सेवनटीन द इंडियन इकानमी वॉज प्रमाइजड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग दिस वॉज कैरीड थ्रू द फाइव ईयर प्लान तो फाइव ईयर प्लान के थ्रू इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो स्टार्ट हुई थी नाइनटीन फोर्टी सेवन में जब हमारे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी नाइनटीन फोटी सेवन से लेकर टू थाउजेंड सेवनटीन तक ये फाइव ईयर प्लान्स चले सो द टर्म इकॉनॉमिक प्लानिंग इज यूज टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग या सिंपली फाइव ईयर प्लान्स का जो टर्म है हम ये यूज करते हैं 1914 से 2017 का जो पीरियड था बट बिफोर कंप्लीटिंग इट्स लास्ट तो रिसोर्सेज को इजिली और अच्छी तरीके से यूटिलाईज करके कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाना ही फाइव ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है सो so, अगर हम बात करें तो so, लॉन्ग so, इन लॉन्ग टर्म ऑबजेक्टिव ऑफ़ फाइव ईयर प्लान तो ये हैं हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर प्रोस्पेरिटी तो कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाना भी इसका ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना कंट्री में जो इनक्वलिटीज़ हैं बिटवीन रिच एंड पुअर इनको कम करना और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकॉनमी दीज आर सम ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टि ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स सो द आइडिया ऑफ़ इकोनमिक प्लानिंग फॉर फाइव यर्स वेकन फ्राम सोवियत यूनियन अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या था देखिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रशिया से यानी यू एस एस आर से हम बेसिकली कह सकते हैं बिकॉज 1930 में एक ग्रेट इकोनमिक डिप्रेशन आया ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें कंट्री जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमीज़ भी हिल गई थी यानी कि एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी बट जो रशिया था यानी यू था उसकी इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज देवर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म एट द टाइम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लूंस हुए तो इन्होंने अडॉप्ट किया फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट रशिया से सो यू एस एस आर वो

So a सिविल इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एम विश्वेश्वर इज़ रिगार्डेड एज द पाइनियर ऑफ़ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया अगर हम बात करें इनकी बुक की तो इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया और जो पब्लिश हुई थी 1934 में और इसने सजेस्ट किया था टेन ईयर प्लान्स को सो फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी एग्जाम्स के लिए इसके अलावा एम विश्वेश्वरी इनको पाइनियर ऑफ़ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया तो देखिए द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट फॉर्मूलेटेड इंडियाज़ फाइव ईयर प्लान तो इंडिया के जो फाइव ईयर प्लान थे इनको कौन फार्मूलेट करता था तो हमारा प्लानिंग कमीशन इनको फॉर्मुलेट करता था द प्लानिंग कमीशन वो सेटअप ऑन फिफ्टीन मार्च नाइनटीन फिफ्टी एंड द प्लान एरा स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी वन विद द लॉन्चिंग ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो हमारा जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी वन को लॉन्च हुआ था यानी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का टेनआोर था नाइनटीन फिफ्टी वन टू फिफ्टी सिक्स और प्लानिंग कमीशन ये हमारा फिफ्टीन मार्च नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी को सेटअप हुआ था सो so, अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की तो प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट्स वेल्थ इन एन इनडायरेक्ट वे यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट की जो वेल्थ है यानी गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको लोगों में बांटना एक इनडायरेक्ट तरीके से द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये किसको रिपोर्ट करता था डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ़ द प्लानिंग कमीशन और अगर हम बात करें फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन सो गुलजारे लाल नंदा वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ़ द प्लानिंग कमीशन यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तो ये भी देख लेते हैं देखिए सेटिंग अप ऑफ द प्लानिंग कमीशन हमारा प्लानिंग कमीशन फिफ्टीन मार्च नाइनटीन को सेटअप हुआ था सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट बनती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बनी थी सिक्स अगस्त नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी टू को इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की तो नाइनटीन फिफ्टी वन में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इंडिया का इंप्लीमेंट हुआ था डिजोल्यूशन ऑफ़ द प्लानिंग कमीशन यानी प्लानिंग कमीशन का जो समाप्त हुआ था या एक तरीके से हम कह सकते हैं डिजोल्यूशन हुआ था एक तरीके से ख़त्म हो गया था प्लानिंग कमीशन ऑन सेवनटीन अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन और अगर हम बात करें इसकी जगह इसको किसने रिप्लेस किया था नीति आयोग ने नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये फर्स्ट जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था इसके अलावा हमने एक और इंपॉर्टेंट डेट जो डिस्कस की थी वो थी 1928 तो आपका एक होमवर्क ये भी बनता है कि आपको बताना है नाइनटीन में हमने क्या डिस्कस किया था विद इन दिस वीडियो जो एक इंपॉर्टेंट डेट है नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान वॉज बोर फ्रॉम विच कंट्री राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी रशिया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमने फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है वो हमने यू एस एस आर से फॉरो किया है बट द मेजर पार्ट ऑफ यू एस एस आर दट कंसिस्टेड ऑफ रशिया तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ रशिया सो द फाइव ईयर प्लान वॉज ऑबटेन्ड फ्रॉम यू एस एस आर और यू एस एस आर का फुल फॉर्म होता है द यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा ये फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे हमारे प्लानिंग कमीशन के और अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सो ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वेरीअ द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज गुलजारी नंदा यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1950 को हमारा कंट्री का जो प्लानिंग कमीशन था ये सेटअप हुआ था सो द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन 15 मार्च 1950 इट वाज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड एंड इट वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के सी नियोगी तो जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था इसके जो चेयरमैन थे वो थे के सी नियोगी इनका नाम भी आपने याद रखना है काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है दट हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ऑफ द प्लानिंग कमीशन सो द राइट आंसर विल बी के सी नियोगी नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एग्रीकल्चर तो जो हमारा फ़र्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसकी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी हमारा एग्रीकल्चर क्योंकि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारी कंट्री का जो बेसिक एम था वो था लोगों का जो हंगर है उसको फुलफिल करना सो एग्रीकल्चर वॉज द बेसिक एम और द प्रायोरिटी ऑफ आर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वो कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वॉज़ फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन ये भी आपने याद रखना है के ऊपर था हमारा और उसने प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ first द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान before the parliament बाय जवाहरलाल नेहरू तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के सामने जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था ये किसने प्रेजेंट किया था तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसे प्रेजेंट किया था और इकोनॉमिस्ट के एन राज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के एन राज नाम भी अपने याद रखना है ही आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइव ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनमी राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान तो हमारी कंट्री का जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव था हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनमी बनाना द थर्ड फाइव ईयर प्लान वॉज लॉन्च फ्रॉम नाइनटीन टू सिक्सटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ दिस प्लानिंग ऑफ दिस प्लान वॉज डॉक्टर डी आर गटगिल तो ये भी आपने याद रखना uh, uh, है डी आर गटगिल वॉज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान एंड ईयर प्लान है नाम से भी जाना जाता है इसका ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलारेटिंग इकॉनमी नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग विच फाइव ईयर प्लान डिट इंडिया इंडिया ऑप्ट फॉर नेक्स्ट इकॉनमी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी सेकंड फाइव ईयर प्लान में जो हमारी कंट्री थी वो गई थी टुवर्ड्स द मिक्सड इकॉनॉमी मिक्सड इकानमी में क्या होता है जनरली एक कंट्री सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म दोनों को सपोर्ट करती है सो द सेकेंड फाइव ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो 1956 से 1961 तक थी द सेकेंड प्लान वॉज कंसीव्ड इन एन एटमोसफेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था इट वॉज फेल्ट डेट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी और हमने सेकेंड फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को कम प्रायोरिटी दी इंडस्ट्रीज़ गॉट मोर इंपॉर्टेंस तो ज़्यादा फोकस था ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी वो हमने इंडस्ट्रीज़ को दी सेकेंड फाइव ईयर प्लान में द फोकस वॉज मेनली ऑन दवी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेसिकली फोकस था और जो हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान है इसका जो नाम है वो है इट वॉज क्रिएटेड बाई पी सी मेहनोबिस मेहलॉबिस मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइव ईयर प्लान गेव एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो ज़्यादा इम्फेसिस था वो डाला था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के ऊपर फर्स्ट टाइम इंडिया में तो देखिए इससे पहले अगर हम बात करें गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दे दिया था इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी वन और उस टाइम पर हमारा फोर्थ फाइव ईयर प्लान चल रहा था बट बेसिकली जो गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिवेशन था वो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का पार्ट बना था तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि हमने जो रिमूवल था इन्फेसिस था ऑन तो द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में डाला था लेकिन जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर ही गरीबी हटाओ का स्लोगन दे दिया था

राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेकेंड फाइव ईयर प्लान के टाइम पर जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इसको सेटअप किया गया था द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन अप्रैल नाइनटीन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ऑफ नाइनटीन के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया द सेकेंड फाइव ईयर प्लान इज़ बेस्ड ऑन द PC Mahalanobis model; therefore, it is also called as PC Mahalanobis. So, PC Mahalanobis was the architect of the second five-year plan. Next question: At the end of the first five-year plan, how many ILTs any Indian Institute of Technology, were established in India? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फाइव आई आई हो गए थे इंडिया में हमारे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के एंडिंग तक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी हमारी कंट्री के लिए सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स फाइव इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आई आई टीज बस

टॉप प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना भी हमारी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की एक टॉप प्रायोरिटी थी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड टू वॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान तो देखिए जो तुम्हारा थर्ड फाइव ईयर प्लान था वो हमारा एक फेलियर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ फेलियर अमंग द फ़ाइव ईयर प्लान जो था हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान और इस टाइम पर देखिए ये हमारा प्लान फेल क्यों हुआ क्योंकि इस टाइम पर हमने एक तो ड्रॉट यानी सूखापन इससे हमें लड़ना पड़ा जो ड्रॉट है उससे हमें फाइट करनी पड़ी एक तरीके से एंड टू वॉर्स और दो हमें वॉर्स का यानी कि युद्धों का भी सामना करना पड़ा सो द थर्ड फाइव ईयर प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट एंड टू वॉर्स यानी सिनो इंडिया वॉर ऑफ़ नाइनटीन सिक्सटी टू एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ़ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव तो ये भी आपने याद रखना है हमारा जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था वो एक फेलियर था बिकॉज़ ऑफ टू एंड सूखापन पड़ गया था कंट्री में तो उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ा इट वॉज रिगार्डेड एज अ फेलियर फॉर द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनिशिएटेड द सोवियत यूनियन फर्स्ट फाइव ईयर स्ट्रेटेजी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ स्टालिन

हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था बट हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट डिस्कस किया था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर प्लानिंग कमीशन सो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन कब बनाता है फिफ्टींथ ऑफ मार्च नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी को इसकी फॉर्मेशन हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन हु यूज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो जो एनडीसी थी इसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यानी जो मेन हेड हुआ करते थे वो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सो द चेयरमैन ऑफ द एन डी सी एज द प्राइम मिनिस्टर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट वॉज स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी टू और बेसिकली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी इसका वर्क क्या हुआ करता था या रिव्यू करता था और द फाइव ईयर प्लान क्रिएटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इनको एक तरीके से रिव्यू करता था फाइनल अप्रूवल देता था नेक्स्ट क्वेश्चन एन विच प्लान द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये एक ऐसा टर्म है जो दिखाता है कंट्री में मेजर क्रॉप प्रोडक्शन को और ये हमने थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंडर इसको इनिशियट किया था अगर हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेन रिवॉल्यूशन इन द होल वर्ल्ड तो राइट right आंसर हो जाएगा नॉर्मन बॉल और अगर हम बात करें इन इंडिया सो एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अगर हम बात करें थर्ड फाइव ईयर प्लान की तो उसकी ड्यूरेशन 1961 से लेकर 66 तक थी इसको गडगिल योजना भी कहा जाता था इसका टारगेट ग्रोथ फाइव था बट एक्चुअल ग्रोथ टू हो पाई और इसका रीज़न हम ऑलरेडी देख चुके हैं देरफोर इट वॉज द फेलियर फॉर द कंट्री इसका रीज़न था इंडो चाइना वॉर नाइनटीन की और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1975 और इसके बाद जो हमारा टारगेट था दैट शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस एंड डेवलपमेंट तो देखिए पहले हम लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया बट इस वॉर के बाद हमने एक सबक सीखा हमने एक लेसन लिया कि विथ डेवलपमेंट डिफेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच वन शुड कंसिडर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फाइनल अप्रूवल टू द फाइव ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया वॉज यूज टू गिवन बाय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फाइनल अप्रूवल दिया करती थी ये आपने याद रखना है किसको फाइन फाइव ईयर प्लान्स को ये भी हमने डिस्कस भी किया था द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एन और द राष्ट्रीय विकास परिषद इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलीब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ये भी हमने देखा था और इसकी फॉर्मेशन सिक्स ऑफ अगस्त नाइनटीन को हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सिक्स फाइव ईयर प्लान राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी मोरारजी देसाई वॉज द चेयरमैन ऑफ द सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान और इसकी ड्यूरेशन थी 1980 से लेकर 1985 टारगेट ग्रोथ था 5.2 परसेंट बट एक्चुअल ग्रोथ हुई 5.54 परसेंट तो हमने ये एक हम कह सकते हैं दिस वॉज अ टाइप ऑफ कंट्री ए टाइप ऑफ सक्सेस फॉर द फाइव ईयर प्लान इसको ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये भी आपने याद रखना है टर्म लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और इस मॉडल को ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कौन से फाइव ईयर प्लान को सिक्स फाइव ईयर प्लान को एंडर विच प्लान ईयर प्लान द ब्लू रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवन्थ तो सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर ग्रीन यानी कि सॉरी ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और जो ब्लू रिवॉल्यूशन था बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मरीन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था द ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया एज द नीली क्रांति तो उसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता था नीली क्रांति मिशन ड्यूरिंग द सेवंथ फाइव ईयर प्लान जिसकी ड्यूरेशन नाइनटीन सिक्सटी एटी फाइव से लेकर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी तक थी द इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम वो सब्सिक्वेंटली लॉन्च ड्यूरिंग द एट फाइव ईयर प्लान और जो उसकी ड्यूरेशन थी नाइनटीन नाइन्टी टू से लेकर नाइनटीन सेवन तक तो ये भी आपने याद रखना है तो इसके अलावा जो इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम था ये एट फाइव ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था यू हैव टू रिमेंबर दिस ब्लू रिवॉल्यूशन सेवन फाइव ईयर प्लान ड्यूरेशन देख लीजिए नाइनटीन एटी से लेकर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइनटीन फाइव से लेकर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी तक नेक्स्ट क्वेश्चन द अलेवन्थ फाइव ईयर प्लान एंडेड इन विच ईयर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2012 में जो अलेवन्थ फाइव ईयर प्लान था फाइनली ये एंड हो गया था इसकी ड्यूरेशन 2007 से लेकर 2012 तक थी इट वाज इन द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर यानी इस टाइम पर जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे मनमोहन सिंह द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी ड्यूरेशन टू थाउजेंड ट्वेल्व से लेकर सेवनटीन तक थी वो इंडिया का लास्ट फाइव ईयर प्लान था और ये एक इनकम्प्लीट फाइव ईयर प्लान था यह भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन द एनुअल प्लान डिस्क्राइब दिस प्लान हॉलीडे वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1966 से लेकर 69 के बीच में जो एनुअल प्लान्स थे जिनको प्लान हॉलीडे की तरह रेफर किया जाता है इनको इम्प्लीमेंट किया गया था सो देर थ्री एनुअल प्लान्स बिटवीन 1966 टू 69 जो थे सिक्सटी से, से लेकर 67 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 तो देखिए जो हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान था वो एक बहुत बड़ा फेलियर था जिसके बाद कंट्री ने डिसाइड किया कि अब हम एनुअल प्लान को क्रिएट करेंगे और एनुअल गोल्स रखेंगे ताकि वो विदिन वन ईयर कम्प्लीट हो जाए सो so, इस पीरियड को हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं प्लान हॉलीडेज मेन रीज़न वॉज लेटर डिडक्टेड एज वॉर इंडो पाकिस्तान इन्फ्लेशन एंड सीवियर ड्रॉट इन द कंट्री तो कंट्री में वॉर होने के कारण कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी और ड्रॉट ने ऑलरेडी uh, हमारी जो कंट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा एफेक्ट कर रखा था तो इसलिए यहाँ पर प्लै फाइव ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट हटा तीन सालों तक लगभग तीन सालों तक हमने प्लान हॉलीडेस को इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच प्लान द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल डेवलपमेंटलनाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एट्थ फाइव ईयर प्लान तो एट्थ फाइव ईयर प्लान का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी जो ह्यूमंस में डेवलपमेंट है वही बाकी सारे डेवलपमेंट्स का रीज़न है बाकी सारे डेवलपमेंटल एफर्ट्स का रीज़न है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कोर ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल एफर्ट्स द एर्थ फाइव ईयर प्लान इ प्लानिंग वॉज बिटवीन नाइनटीन नाइन्टी टू टू नाइनटीन नाइनटी सेवन यहाँ पर जो प्रायोरिटी थी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन मॉडल तो हम इस इस मॉडल को हम इस फाइव ईयर प्लान को ह्यूमन मॉडल भी कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन एज अ रिसोर्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी इट वॉज द बिगनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि एल पी जी पॉलिसी आ गई थी इस टाइम पर इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एर्थ फाइव ईयर प्लान ये भी आपने याद रखना है न्यू एजुके नॉट एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एथ फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन टर्म्स ऑफ फाइव ईयर प्लान राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी तो देखिए जो इंडिया के जो प्लान हॉलीडे थे वो कब कब थे 1966 से लेकर 67 तक और 68 से लेकर 69 तक तो अभी हमने देख देखा था सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट एंड सिक्सटी एट टू सिक्सटी नाइन सो द मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान फोर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे ऑफ थ्री एनुअल प्लान्स

सो वस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यर कमिंग एग्जामिनेशनस